हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रियल एनालिसिस में फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे यार, पहले चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। तो चीजों को समझने के लिए मैंने यहां पर ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है। जब भी कोई आपसे फिक्स्ड पॉइंट का बात करे तो हमेशा वो किसी ना किसी फंक्शन के फिक्स्ड पॉइंट का बात करेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले रखा है, f such that r to r defined by fx is equal to x square। यानी कि हमारा डोमेन भी r है और हमारा कोडोमेन भी r है और हमारे पास में फंक्शन क्या है, fx is equal to x square। तो मान लो ये हमारा r है और ये भी हमारा r है, इसमें सारे रेशनल्स और सारे इरेशनल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर हमारे पास में fx is equal to x square है तो कुछ पॉइंट्स के लिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो मान लो ये हमारा है x is equal to minus 2, तो उसके लिए हमारे पास में रेंज क्या होगा, कहां पर मैप करेगा ये मैप कर रहा होगा माइनस टू जाएगा 4 की ओर, राइट। सिमिलरली माइनस वन जाएगा 1 की ओर, 0 जाएगा 0 में, 1 जाएगा 1 में, 2 जाएगा 4 में, जो हमारा ये फंक्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग, और भी बाकी जो पॉइंट्स आ रहे हैं रेशनल इरेशनल उसके स्क्वायर में वो मैप कर रहा होगा। तो जरा ध्यान से देखो इस मैपिंग को, इस फंक्शन को। इसमें हमें दो ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो खुद पर ही मैप कर रहे हैं। देखिए, जीरो जो है वो जीरो पर मैप कर रहा है और वन जो है वो वन पर मैप कर रहा है। यानी कि हमने जब इन पॉइंट्स पर फंक्शन लगाया, कौन सा फंक्शन लगाया, fx is equal to x square लगाया, तो ये जो दो पॉइंट्स थे ये दो पॉइंट्स चेंज नहीं हुए, बाकी सारे पॉइंट्स चेंज हो गए। माइनस टू चला गया 4 में, माइनस वन चला गया 1 में, 1 चला गया, इनफैक्ट 2 चला गया 4 में, लेकिन 0 और 1 ये वेरी नहीं किया। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स थे ये फिक्स रह गए, और इसी तरह के पॉइंट्स को हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यार कि f ऑफ 0 जो था हमारा वो 0 ही है और f ऑफ 1 जो है वो 1 ही है। तो इन दो पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इन दो पॉइंट्स को हम फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो आइडिया क्लियर हो गया। अब हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन हमारा कहता है, लेट f such that s to r बी ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन है जो s to r में डिफाइंड है, वेयर s इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड अ पॉइंट x स्टार बिलोंग्स टू s इज सेट टू बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ f इफ f ऑफ x स्टार इज इक्वल टू x स्टार। क्या यही बात नहीं था, जब हम f ऑफ 0 कर रहे थे तो 0 आ रहा था, 0 को हम फिक्स्ड पॉइंट कहते थे। तो अगर f ऑफ x स्टार करोगे और हमें x स्टार ही मिल रहा है तब हम इस x स्टार को कहेंगे कि वो हमारा गिवन फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान देना है कि जो भी आप x स्टार को पिक करोगे वो आपका डोमेन में रहना जरूरी है। काफी बार ऐसे काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं यार, जब आपको फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करने कहा जाता है लेकिन वो जो पॉइंट्स होते हैं वो डोमेन में ही नहीं होते हैं और आप उसे भी फिक्स्ड पॉइंट चूज कर लेते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट, क्या पॉइंट हमारा डोमेन में है। अगर डोमेन में है तभी हम बात कर रहे होंगे। तो हर फंक्शन के लिए हमारा हमेशा इस तरह का हम डायग्राम तो बना नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनफैक्ट कुछ नोट्स हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब नोट को वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट नोट हमारे पास में है, लेट एक्स बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ। मान लो कि एक्स है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है किसी फंक्शन एफ का, तो इसका मतलब क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, राइट। ये डेफिनेशन कहता है। तो अब आप इसे जरा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स को यहां ले आओ तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जो हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन में फिक्स्ड पॉइंट क्या था, फिक्स्ड पॉइंट हमारा एक्स था। यानी कि अगर इस इक्वेशन में हमें एक्स का वैल्यू मिल जाता है तब हम इस फंक्शन एफ एक्स के लिए फिक्स्ड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, दैट इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव अस द फिक्स्ड पॉइंट्स। क्या बातें समझ में आ रही है। तो अब अगर आपको कभी भी फिक्स्ड पॉइंट कैलकुलेट करने कहा जाए तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तब आपको फिक्स्ड पॉइंट काफी अच्छे से मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल है हमारे पास में, f such that r to r f of x is equal to x square, ठीक है। तो हमें क्या पता है यार, ये इक्वेशन हमें फिक्स्ड पॉइंट दे रहे होंगे। तो फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स अब हमें क्या करना है, हमें करना है f of x minus x is equal to 0। f ऑफ x है हमारे पास में x square minus x is equal to 0। तो यहां पर हम x को कॉमन रखते हैं, हमारे पास में मिला x into x minus 1 is equal to 0। That means एक रूट मिला हमारे पास में 0 और एक रूट मिला 1। तो क्या अब 0 और 1 हमारे पास में इस फंक्शन के लिए फिक्स्ड पॉइंट नहीं हो गए? हो गए। क्यों?
सिंस, यहां पर एक और रीजन आपको लिखना पड़ेगा भाई, याद रखना, सिंस 0.1 बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन है आर, देन 0 and 1 आर फिक्स्ड पॉइंट्स, क्योंकि ये डोमेन के मेंबर हैं और उसने इस इक्वेशन का रूट भी है 0 और 1, तभी हमारा 0 और 1 फिक्स्ड पॉइंट हो रहे होंगे, राइट। अब एक और एग्जांपल देखो यार, तब चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसको मैं इरेज करता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे होंगे सेम फंक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 2, राइट। यहां पर हमें गिवन है एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1 टू आर एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमारा सेम है बट सिर्फ और सिर्फ हमने डोमेन को चेंज किया है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है ये सीख लिया है। कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो करना है। तो यहां से हमें दो रूट्स मिल रहे हैं 0 और 1, ये हमने अभी सॉल्व करके देखा। अब यहां पर इस फंक्शन के लिए कौन सा पॉइंट फिक्स पॉइंट हो रहा होगा, सबसे पहले डोमेन देखो। डोमेन क्या है हमारा, डोमेन है क्लोज 0 एंड ओपन 1, यानी कि यहां पर ये एक इंटरवल है जहां पर 0 बिलोंग कर रहा है बट 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मींस ये जो 1 है ये 1 हमारा फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा, सिंस 0 बिलोंग्स टू दिस थिंग व्हिच इज इक्वल टू डोमेन। दैट इंप्लाइज 0 इज द ओनली फिक्स्ड पॉइंट हियर, द ओनली फिक्स्ड पॉइंट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये था नोट नंबर 1, जहां पर हम इक्वेशन बना के चीजों को काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते थे और फिक्स्ड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम एक और चीज करने वाले हैं, यार जरा ध्यान से देखना। अब हम नोट नंबर 2 में चीजों को ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर हमारे पास में मान लो ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है और दिस इज इक्वल टू एक्स है, तभी हम कहते हैं कि एक्स हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। अब अगर ये जो हमारा एफ एक्स है इसको मैं कर्व मान लेता हूं, y is equal to fx, curve होगा यार, और इसे y1 is equal to fx, और ये मान लो हमारा y2 is equal to x है। तो अब fx is equal to x का मतलब ये होता है कि वो सारे values x के और fx के जहां पर ये दोनों curve आपस में intersect कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में कोई एक curve है y is equal to fx, मान लो कि कुछ इस तरह का curve है y is equal to fx, और y2 is equal to x हमारा हमेशा इस तरह के curve होता है। तो ये जो दो कर्व है, मान लो ये जो कर्व है आपका y1 is equal to fx और ये जो कर्व है ये आपका y2 is equal to x, ये जो दो कर्व आपस में कहां कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट हो जाएगा। सारा फंक्शन के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जो भी फंक्शन आपको मिल रहा होगा। जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ रहे होंगे तब हम रूट्स फाइंड कर रहे होंगे, और अगर हमारे पास में साइन एक्स कॉस एक्स कुछ इस तरह के फंक्शंस आ रहे होंगे तब हम उसके लिए इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो यार, अगर ये हमारा कोई फंक्शन है और कोई भी अगर वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन उसको जितना बार कट कर रहा होगा, जहां जहां कट कर रहा होगा वो सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है बेसिकली इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डोमेन में आपको मिल रहा है ये फिक्स पॉइंट होगा, राइट। ये फिक्स पॉइंट, ये तो आपका कोई एक पेयर में मिल रहा होगा, राइट, ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये नहीं होगा, बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको डोमेन में जो नंबर मिल रहा होगा वो आपके फिक्स पॉइंट कहलाएंगे। चलिए अब नोट को काफी अच्छे से लिखते हैं। नोट नंबर 2 को मैंने यहां पर लिख लिया है। नोट नंबर 2 हमसे कहता है वी कैन फाइंड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ एफ बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ intersections of the graph y1 is equal to fx and y2 is equal to fx. For example, ये हमारे पास में example number 1 था, f says that r to r fx is equal to x square. मैं यही example बार बार क्यों ले रहा हूं, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। ये ग्राफ राफ ड्रॉ करना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये सारा चीज हमने बचपन से सीख रखा है यार, ये सारा चीज हम कर लेंगे, राइट। बट अगर आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तब हमारा काम नहीं बनेगा। हमें पता है यार ये जो फंक्शन है इसका फिक्स पॉइंट 0 और 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग भी, इस नोट के अकॉर्डिंग भी इसका जो फिक्स पॉइंट है 0 और 1 आना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, वो हमारा एक अपवर्ड पैराबोला होता है कुछ इस तरह का, राइट। और हमें इंटरसेक्ट करना है, यानी कि और एक लाइन ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू एक्स का, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर्व को इंटरसेक्ट कर भी रहा है या फिर कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एक भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होंगे,
तो देखो यार यहां पर ये जो है ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ओरिजिन में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब क्या, जीरो जीरो पॉइंट। तो एक जीरो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो होता है और वाई इक्वल टू जीरो होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले वैल्यू को लेना है, राइट। तो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये यहां प्रकट कर रहा है वन वन पर, दैट मीन्स और एक फिक्स पॉइंट हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू वन। अब हमें देखना क्या है, हमारा डोमेन क्या है, डोमेन है आर टू आर। तो यार ये हमारा चलेगा, मान लो कि अगर हमारा डोमेन होता आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव टू आर, तो ये जो है ये चीज यहां डिफाइन नहीं हो रहा होता और यहां पर एक होल बन जाता, यानी कि जो फंक्शन है वो जीरो पर डिफाइन नहीं है। तब वहां पर हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या होता, वहां पर हमारा फिक्स्ड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वन हो रहा होता। ये सारा चीज आई होप आप समझ पा रहे हो। तो फाइनल एग्जांपल है हमारे पास में, एफ सच दैट दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स व्हेनेवर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेनेवर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ मैंने यहां पर ऑलरेडी बना रखा है, आप देख पा रहे हो जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा माइनस वन टू वन में डिफाइंड है और जो उसका रेंज होगा वो भी हमारा माइनस वन टू वन होगा। तो ये आपका मान लो कि वन है और ये हमारा माइनस वन है, तो ये हमारा फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास में कितने फिक्स पॉइंट होंगे, और ये जो फंक्शन है ये जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइट टाइम ऑक्सीलेट हो रहा है, ये हमारा इनफाइनाइट टाइम ऑक्सीलेशन है इसके जीरो के नेबरहुड में। तो जो हमारा ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस तरह से होगा, तो ये सारे इसके वर्टिसेस को कट करते हुए जा रहा है और यहां पर वो इनफाइनाइट टाइम ये जो फंक्शन है एफ एक्स को कट कर रहा होगा, यानी कि हमारे पास में कितने पॉइंट्स बन रहे होंगे, तब हमारे पास में इनफाइनाइट, इनफैक्ट हमारे पास में अनकाउंटेबली मेनी फिक्स्ड पॉइंट बन रहे होंगे। दैट इंप्लाइज एफ हैज अनकाउंटेबली मेनी फिक्स्ड पॉइंट्स। अनकाउंटेबली मेनी का मतलब होता है इनफाइनाइट से भी ज्यादा, इनफैक्ट एक तरह का इनफाइनाइट ही होता है, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट जीरो भी हो सकता है, यानी कि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं हो सकता है, और फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबली मेनी फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकते हैं, राइट। तो ये था आज का वीडियो, आज का वीडियो में हमने सीखा कि फिक्स्ड पॉइंट होता क्या है और फिक्स्ड पॉइंट के कुछ बेसिक्स के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, और अगर आपको रियल एनालिसिस के और भी कंसेप्ट को जानने हैं, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जानना है, आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से सीखना है, तो सिंपली आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है यार, यहां पर आपको सारे कंसेप्ट मिल रहे होंगे।